जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। पंचायत चुनाव में वोट के लिए नोट और साड़ी बांटी जा रही है। अशोकनगर में नोट बांटने का मामला सामने आया है। मामले में जिला पंचायत के वार्ड 2 से चुनाव लड़ रही गौरी कृष्ण भान यादव के ससुर कह रहे हैं, अरे तू कल ले लियो यार और क्या। इस दौरान उन्होंने सामने बैठे एक व्यक्ति को वोट के हिसाब से 500-500 रुपये गिन कर दिए। इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे प्रताप भान सिंह यादव ने इसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों से की। इधर दतिया में भी प्रत्याशी द्वारा वोटरों को साड़ी बांटने का मामला सामने आया है। अशोकनगर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नोट बांटने का मामला ग्राम बमोरा का है, जो जिला पंचायत के वार्ड 2 में आता है। इसी वार्ड से गौरी यादव भी चुनाव लड़ रही हैं, जो रुपए बांटते दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र यादव की पुत्रवधू हैं। नरेंद्र यादव 500-500 नोट गिनकर लेन देन की बात कर रहे हैं, जिसमें वे यह भी कह रहे हैं कि जो रुपए अभी दे रहा हूं इसका मैं हिसाब थोड़ी लिख रहा हूं। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 नंबर में पहले ही चरण में मतदान हो जाएगा। जिस 2 नंबर वार्ड में नोट बांटने का मामला बताया जा रहा है, वहाँ भी 25 जून को ही मतदान होना है। इस वार्ड से कुल 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दतिया जिले में भी एक मामला सामने आया है, जिसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ियां बांटी जा रही है। मामला ग्राम पंचायत खैरी का बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर साड़ियां बांटते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। वह अपने साथियों के साथ लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है। मतदाताओं को घर घर पहुंचकर साड़ियां देकर आशीर्वाद ले रहा है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की जाँच करेंगे। वहीं गुना में सिरसी पुलिस ने पैसे बांटते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि सिरसी पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत धानखेड़ी के खरारखेड़ा गांव में 3 लोग सरपंच पद के प्रत्याशी संतीबाई पत्नी बहादुर सहरिया के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं को लुभा रहे हैं। आज की खबर और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।